राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूं। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व निकल कर गया है। आप सभी ने बहुत उल्लास के साथ मनाया होगा अपनी मनोकामनाओं को मांगते हुए। आज मैं आपको मंगलवार वाले दिन करने वाला एक दिव्य उपाय देने जा रही हूं। ये चमत्कारिक उपाय है, ये मिनटों में आपको असर दिखाता है, इसका प्रभाव तुरंत दिखाई दे जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें दोस्तों। इसके साथ आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत बुध का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें दोस्तों। एक बार वीडियो पूरा देख लिया करिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि आप मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रही हूँ। आधा अधूरा देख कर ही आप लोग मुझे फोन कर देते हैं। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ मैंने कुंडली विश्लेषण के लिए दिया हुआ है। अगर आप पैसा दे सकते हैं तो इस नंबर को डायल कीजिए, तब यहाँ पर आप कुंडली विश्लेषण की बात कीजिए मुझसे। आप अगर कुंडली विश्लेषण नहीं करा पा रहे हैं तो मैं जो डेली वीडियोज देती हूँ आप उन्हें कीजिए, वो आप ही लोगों के लिए हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पावरफुल हैं। आप इन्हें करके भी अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज कोई इसी तरह का आप मैसेज मत कीजिए, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, फिर आप कभी मुझसे संपर्क में नहीं आ पाएंगे। मैं बिल्कुल आपको इसीलिए आपको बता रही हूँ। आधे से ज्यादा लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगे हैं वीडियोज के बारे में। इतने सारे वीडियोज मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? जब मैं उसका थंबनेल देखती हूँ कमेंट सेक्शन में जाकर, मुझे याद आ जाता है, मैं उसके नीचे लिख देती हूँ। तो आप लोगों को भी थोड़ी तो मेहनत करनी ही होगी ना दोस्तों। अब मैं अपने वीडियो टॉपिक पर आती हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, कलयुग के इस समय में जागृत देवताओं में हनुमान जी हैं, जो भोलेनाथ का 11वां अवतार है, रुद्र अवतार, भोलेनाथ का अंश है। जैसे भोलेनाथ जरा से जल से प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी भी मात्र एक तुलसी दल और राम नाम नाम की माला से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मंगल के देवता हैं, मंगल पराक्रम है, ऊर्जा है। जब आदमी के अंदर मंगल के तत्वों की कमी होने लगती है तो व्यक्ति निराश होने लगता है, उसे जीवन में उसके मंगल कार्य होना बंद हो जाते हैं, उसके जीवन से खुशियां चली जाती हैं, ऊर्जा खत्म हो जाती है उसके अंदर, वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है। आप अगर नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं तो आपके तत्व जागृत रहते हैं। आज मैं आपको विशेष उपाय देने जा रही हूं। इस उपाय में आप किसी घोर संकट में फंस गए हो, किसी भी ऐसी समस्या में घिर गए हैं, कोई भयानक बीमारी आपको लग गई है, या आप किसी बंदी बंधन में फंस गए, यानी किसी कोर्ट केस वगैरह में आप फंस गए हैं और आपको लगता है कि जेल जाने की नौबत आ रही है, या बच्चा अधिक बीमार है और वेंटिलेटर पर है, या तो आपके कोई रिश्तेदार वेंटिलेटर पर है, या आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं और आप घबरा रहे हैं, तब भी ये प्रयोग काम करता है आपके लिए। इसके अलावा आपका कहीं धन फंस गया है उसके लिए, आप कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में घिरे हुए हैं उसके लिए, कहीं आपको अचानक धन की मदद चाहिए उसके लिए, ये प्रयोग बहुत ही दिव्य है। और आप इसको हल्का मत समझिए दोस्तों, इसको जिस विधि से बता रही हूँ उसी विधि से आप करते हैं तो आपको तुरंत इसका लाभ दिख भी जाएगा दोस्तों। लेकिन कीजिए पूरी पॉजिटिविटी और पूरी श्रद्धा के साथ में, क्योंकि जब हम किसी प्रयोग को श्रद्धा के साथ में करते हैं तो उतना ही हमें 10 गुना लाभ देता है, और जब हम उसमें ना, नहीं, किंतु, परंतु लगाते हैं तो वो हमारे लिए विफल हो जाता है हमारा प्रयास। पूरी श्रद्धा के साथ में कीजिए। और इसके साथ ही इसकी एक विशेषता है, इसे कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकता है, और अपने घर में ही बैठकर इस प्रयोग को किया जा सकता है। मैं आगे आपको एक अलग प्रयोग दूंगी, वो हनुमान चालीसा वो अलग है, लेकिन आज का प्रयोग विशेष है।
इसमें आपको करना क्या होगा, आपके घर में एक हनुमान चालीसा, हनुमान जी की फोटो हो और जो कि साउथ की दीवार पे, अपने घर के मंदिर में साउथ की दीवार पे लगी हो। एक तांबे का लोटा रखिए, उसमें एक तुलसी दल डाल दीजिए, तुलसी दल एक अपने पास भोग स्वरूप भी रखिए। इसमें थोड़ा सा दो बूंद गंगा जल डाल के सादा जल भर दीजिए, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए। एक दीपक जलाइए, आपके पास चमेली का तेल है तो चमेली के तेल का, और आपके पास देसी घी है तो देसी घी का। दीपक एक प्लेट में रख लीजिए और थोड़ा बड़ा दीपक जलाइए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हनुमान चालीसा के 101 पाठ करने की बात कर रही हूँ। तो इसके लिए आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप किसी ऐसी समस्या से में घिर गए हैं जहाँ आपको अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उसके लिए बता रही हूँ, अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपने पति, अपने पत्नी, सबको इकट्ठा कर लीजिए और वहां पर बैठकर आप 101 पाठ के आप उसको संख्या में डिवाइड कर दीजिए कि कितने आपके पास मेंबर हैं और हर एक को कितना पाठ करना है उसका। और आप अकेले कर रहे हैं, आपके पास कोई नहीं है, तो आप अकेले भी कर सकते हैं इसको। थोड़ा आपको धैर्य की आवश्यकता होगी। दीपक इतना बड़ा रखिए कि वो बीच में समाप्त ना हो, जलता रहे। तो इसमें आप एक लाल कलावे की मौली डाल दीजिए, दो लौंग डाल दीजिए इसके अंदर। तांबे का लोटा आपने भर के रखा हुआ है। भोग में आप बूंदी का लड्डू भी रख सकते हैं, बूंदी भी रख सकते हैं, बताशा भी रख सकते हैं, घी और गुड़ भी रख सकते हैं, और साथ में आप इलायची दाना भी रख सकते हैं, जो आपको सुविधा से मिल जाए वो चीजें। लाल आसन रखिए, लाल कलर के वस्त्र पहनिए, और अगर इसको आप 12 बजे के बाद, 12 बजे से लेकर किसी और 4-5 बजे तक करते हैं और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। लाल कलर का आसन लगा लीजिए। इस दीपक को आप एक प्लेट में स्थापित करिए और थोड़े से चावल पहले प्लेट में डाल दीजिए, उसके बाद ये दीपक रख दीजिए। 11 पीपल के पत्ते मंगा लीजिए और सब पीपल के पत्तों को धोकर साफ करके उस पर रोली से, चंदन से राम राम लिख दीजिए और इसको कलावे में बांधकर एक माला तैयार कर लीजिए। महिलाएं कर रही हैं तो इसको, सब पत्तों को इकट्ठा कीजिए और इसको एक बंच बनाकर अपने पास रख लीजिए। पुष्प मिल सकते हैं तो पुष्प अर्पित कर दीजिए, आप इत्र है तो इत्र रख लीजिए अपने पास। अब घर के मंदिर में आकर बैठ जाइए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए। महिलाएं कर रही हैं तो अपना पति का नाम भी बोलेंगी और पति का गोत्र भी बोलेंगी। अपना निवास स्थान बोलिए, फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आप किस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, समस्या बोलिए। फिर पाठ संख्या बोलिए कि आप कितने पाठ करने जा रहे हैं। अगर आप 101 पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो 56 पाठ भी आप कर सकते हैं, यानी 56 पाठ भी आप कर सकते हैं, 56 पाठ भी आप कर सकते हैं। आपने जल लिया, आपने मनोकामना बोली, पाठ संख्या बोली और आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी आप दीप देवता से प्रार्थना करके जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। हे गणपति गजानन भगवान, मैं ये जो पाठ करने जा रहा हूँ निर्विघ्न संपन्न हो, मेरी मनोकामना पूरी करें, बजरंगबली मेरी हृदय से मेरी मनोकामना को स्वीकार करें, ऐसी मैं आप सबसे आज्ञा मांगता हूं। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। पहले आप राम राम नाम की 108 की एक माला कर लीजिए, राम 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 राम, इस तरह से 108 की एक माला कर दीजिए। भोग उनके सामने रख दीजिए और उसमें भोग पर तुलसी दल जरूर रखिएगा। तुलसी दल यानी दो पत्ते जुड़े हुए, अलग अलग पत्ते नहीं, दो जुड़े हुए पत्ते रखिए। वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जो तुलसी उगती है उसमें ऊपर आपने देखा है गुच्छा सा होता है, उसको हम दल बोलते हैं, वो दल रख दीजिए यहाँ तुलसी के, धोकर रखिएगा दोस्तों। जल जो आपने लोटे में रखा है उसमें भी एक पत्ता डाल दीजिए और उसमें से आचमन करके, 3 बार आचमन करके, उसके बाद अपनी मनोकामना भूल के वो जल भी वहीं पर रखा छोड़ दीजिए। दीपक आपका जला हुआ है, कर्म साक्षी दीपक, आपने कर्म साक्षी दीपक से भी अपने आज्ञा ली है कि वो जब तक आपकी पूजा समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो जलता रहेगा और आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायक बनेगा। उसके बाद राम राम नाम की एक माला करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको 56 करने हैं, 101 वो आप पहले संकल्प ले चुके हैं। गिनेंगे कैसे, तो उसके लिए आप चाहे तो चने की दाल रख लीजिए, चाहे माचिस की तीलियां रख लीजिए, अपने सामने रख लीजिए और जैसे ही आपका एक पाठ खत्म हो जाता है उस माचिस की तीली को उठाकर दूसरे उसमें डाल दीजिए। इस तरह से आप पहले से गिन के रखिए जिससे आपको उस समय गिननी ना पड़े। और कई लोग कर रहे हैं तो उनमें डिवाइड कर दीजिए कि 101 पाठ करने में कितना आपको, किसके हिस्से में कितने पाठ आ रहे हैं। डिवाइड करने के बाद जब आपका ये पाठ पूरा हो जाए उसके बाद फिर आप एक हनुमान चालीसा, सॉरी राम राम नाम की एक माला कीजिए। संकट मोचक हनुमान अष्टक पढ़िए। बाल समय रविभक्ष लियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो,
ताहि सुतास त्रास भयो जग में यह संकट काहू से जात न टारो। ये पूरा पाठ कर लीजिए, हनुमान जी की आरती कर दीजिए, क्योंकि ये मैंने बताया कोई भी कर सकता है। अगर पुरुष कर रहे हैं तो वो जो मैंने आपसे पीपल के पत्ते कहा था माला बनाने के लिए, वो हनुमान जी पे चढ़ा दीजिए। महिलाएं कर रही हैं तो उनके चरणों में रख दीजिए, तस्वीर के नीचे चरणों में रख दीजिए। अगर पुरुष कर रहे हैं तो आपके पास हनुमान जी वाला सिंदूर है, हनुमान जी का सिंदूर अलग तरह का आता है जो ऑरेंज कलर का होता है, उसको जरा सा घी में या चमेली के तेल में घोलकर आप एक तो उनके दोनों पैरों में एक बिंदी लगा दीजिए और साथ में उनके मस्तक पर बिंदी लगा दीजिए। ये सिर्फ पुरुष करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी ये काम, घर की मंदिर में फोटो पर ही। उसके बाद आप उनकी आरती कीजिए हनुमान चालीसा की। और याद रखिए, महिलाओं को कभी भी लेट कर हनुमान जी को दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हर महिला को अपनी माँ मानते हैं, तो माँ कभी भी अपने पुत्र के चरणों में नहीं झुकती हैं। तो ध्यान रखिए, महिलाओं को कभी भी लेट कर दंडवत नहीं करनी है, ये पुरुष लेट कर दंडवत जरूर करेंगे। राम नाम राम की माला हो गई, उसके बाद आप आरती कीजिए, भोग अर्पित कीजिए, एक धूप बत्ती जरूर जलाइए। अगरबत्ती नहीं जलानी है आपको, धूप बत्ती भी जलाकर रख लीजिए, धूप दीप दे दीजिए उनको। उसके बाद अपनी मनोकामना भूलकर वहां पर तीन परिक्रमा, नौ परिक्रमा करके वहीं खड़े खड़े उसी आसन पर वहीं खड़े होकर आप परिक्रमा कीजिए। एक बार फिर अपनी क्षमा प्रार्थना कीजिए, अपनी समस्या से मुक्ति के लिए प्रार्थना करके आप वहां से भोग उठाइए, उस भोग को सब में बांट दीजिए। जल को अपने पीने वाले पानी में डाल लीजिए, जो आप पी रहे हैं पानी उसमें मिक्स कर दीजिए उस जल को, और जो तुलसी दल है उसे भी भोग में बांट दीजिए। ये इतना चमत्कारिक प्रयोग है। अगर आप कोई ऐसी समस्या से घिर गए हैं जिसके लिए अब आपको कोई निदान नहीं दिख रहा है, देखिए आपको तुरंत आपके पास गुड न्यूज आ जाएगी। कैसे ये चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा, आप हतप्रभ रह जाएंगे, इतना चमत्कारिक प्रयोग है। मेरे कई सारे क्लाइंटों ने इसको किया है और इसका मैंने बहुत अच्छा प्रभाव देखा। अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट ने किया है जो जम्मू की है, उन्होंने इसको किया और उनको तुरंत रिलीफ मिला। तो इसलिए आप भी इस प्रयोग को जरूर आजमा कर देखिएगा। मैं इसलिए आजमा नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब आप श्रद्धा लगाते हैं और आपको इनका रिजल्ट मिलता है तभी आप इस पर विश्वास कर पाते हैं। दोस्तों, अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि नौ ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करती हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र एक एक मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो आपका चंद्रमा बली हो जाता है, दिन आपका अच्छा जाता है, ग्रह आपका सपोर्ट करने लगते हैं, आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। आप स्वयं करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को कराते हैं, तो घर का वातावरण भी बहुत सुखद हो जाता है। 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार, आज का राहु काल है, शाम को 3 बजे से 4:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:55 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा दूध लेना है, उसमें एक चम्मच शहद मिक्स करना है। आपको डायबिटीज है तो इसमें शहद की 2-3 बूंदे ही डालिए, मिक्स करिए, ईस्ट को अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही इसको नाश्ते में भी सेवन कर सकते हैं। ये आपको आपको चंद्र मंगल का आपकी युति बनाएगा और आपको अचानक धन की प्राप्ति कराएगा। दोस्तों, आज का जो जादुई अक्षर है वो ना नयन वाला ना, इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर आप कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका ना ही होना चाहिए। दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में 31 अगस्त उनकी बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस लकी नंबर को लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। आज का लकी अंक है, व्हाइट कलर के पेपर पर 9 नंबर लिखिए, रेड कलर के पेन से, अगर रेड कलर का पेन नहीं है तो आप रोली से लिख लीजिए। मेरे डेली का अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी कीजिए, फिर आप इनका चमत्कार देखेंगे, इनका फायदा देखेंगे, आप स्वयं छोड़ ही नहीं पाएंगे। फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप चाहते हैं अपनी किसी समस्या का समाधान तो कमेंट में अपना नाम मेरे YouTube के वीडियो के कमेंट में लिखना है, ना कि मेरे WhatsApp में कमेंट लिखना है।
आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, YouTube का जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए आप ये अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और एक क्वेश्चन, आधे अधूरे क्वेश्चन मत लिखिए, मेरी बेटी मेरा बेटा प्लीज नाम प्रॉपर खोलिए उसमें। रेंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तब स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। ये पेड सुविधा यानी यहाँ पर फीस लगती है आपको, तो अगर आप फीस दे सकते हैं तो जरूर कॉल कीजिए, नहीं तो आप मेरे वीडियोस देखकर उपाय करते रहिए, ये उपाय भी उतने ही इफेक्टिव है जितना कि आपको समस्याएं हैं, समस्याओं को आपको दूर करने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों आज जो मैंने आपका अपनी कुंडली ली है ये है मृदुल जी, 14/8/1988, 4:21 AM, जालंधर, शादी कब होगी। देखिए मृदुल जी, ये आपकी कुंडली है, कर्क लग्न की है और लग्न में ही सूर्य बैठा हुआ है आपका। अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और जो कि आपकी 2024 तक है, लग्नेश भी कमजोर है आपका और साथ में आपकी अभी इस समय शनि आपके फेवर में नहीं है। आपके लिए सितंबर माह के बाद आपके लिए शादी के योग बनने की चांस हैं। आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है तो चाहे तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, उपाय ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सूर्य को प्रबल कीजिए, शनि मंत्रों का जाप कीजिए, अपने शिवलिंग की आराधना कीजिए, आपके लिए वो योग खुलेंगे। अभी आपके योग बंद हैं, अक्टूबर माह के बाद से आपके लिए योग खुलेंगे जो कि छड़े छड़े के होंगे। आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा, आपके बड़े लोग बुजुर्ग लोग आपके लिए प्रयास करते हैं तो आपके लिए जरूर शादी के योग बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, YouTube के कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।